दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को 15x15 का एक डीजे डांस फ्लोर दिखाने वाला हूं और साथ में दो कॉन्सोल्स भी दिखाने वाला हूं। यहां पे जो हमारे कॉन्सोल्स होने वाले हैं वो एक होने वाला है MI बार कॉन्सोल, एक होने वाला है ड्रैगन कॉन्सोल। और जो हमारा 15x15 का फ्लोर है इसमें हमें 25 पैनल्स मिलने वाले हैं। स्टील फ्रेम के अंदर फ्लोर होने वाला है। क्या उसकी क्वालिटी रहने वाली है और क्या उसका प्राइस रहने वाला है कॉन्सोल का, फ्लोर का, तो आज की वीडियो में प्रॉपरली इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं सीधा फैक्ट्री में लेके चलता हूँ, वहाँ पे हमने फ्लोर लगा रखा है, तो फ्लोर दिखाते हैं फ्लोर आपको किस क्वालिटी वगैरह में मिल जाता है। साथ में जो फ्लोर है हमारा 5D होने वाला है, इसको आप 3D भी चला सकते हो, तो 5D 3D फ्लोर मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा जो कॉन्सोल है हमें इसमें देखने को साथ में मिल जाता है। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो फटाफट से दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपने कॉन्सोल्स भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो दो कॉन्सोल्स हैं और अपना 15x15 का यहाँ पे 5D फ्लोर भी आ चुका है। सो यहाँ पे कॉन्सोल में कुछ नए इफेक्ट्स होने वाले हैं, साथ में ये वाला कॉन्सोल अपना ड्रैगन कॉन्सोल होने वाला है, साथ में इसमें भी कुछ नए इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले ये फ्लोर देख लेते हैं। फ्लोर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में, इसमें हमारे 25 पैनल्स मिलते हैं। 5 पैनल्स आप देख सकते हो ऐसे लगे हुए हमारे और 5 पैनल्स हमारे ऐसे लगे हुए हैं। सो टोटल इसमें 25 पैनल्स हो गए, 15x15 का अपना फ्लोर हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो अपना MI बार कंसोल हो गया है प्रोफाइल LED के साथ। इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन भी देख सकते हो किस हिसाब से डिज़ाइन बनी हुई है। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आपको इस फ्लोर के अंदर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स आपको इस केवल कंसोल में मिल जाते हैं जो कि MI बार कंसोल है। प्रोफाइल LEDs लगी हुई हैं, साथ में ऊपर भी आपको LEDs मिल जाती है, 3D पैटर्न बनाती है, तो काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके बारे में तो इसका आपको रेट मिलता है 40,000 रुपीज़ सिंगल पीस का। जो हमारा कॉन्सोल है तो ये अपना वुडन फ्रेम में रहता है कॉन्सोल पूरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर शीट लगी हुई है, एक्चुअली यहाँ पे आपको वाइट कलर की शीट मिलती है, उसके अंदर से आपकी प्रॉपर LEDs वगैरह चल रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। तो LEDs की जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इनबिल्ट इसमें सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना ड्रैगन कॉन्सोल होने वाला है। इसके आप शेप से पता लगा सकते हो कि किस टाइप का ये हमारा जो कॉन्सोल है वो यहाँ पे मिल जाता है। और अगर मैं आपको इसका एक्चुअल में इफेक्ट दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हो जब हम इसको इस तरफ से देखेंगे तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा ये क्यूब्स की फॉर्मेट में है और यहाँ पे एक 3D पैटर्न दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स चल रहे हैं, उससे आपको पता लग रहा होगा कि हमारे किस हिसाब से इसमें पैटर्न्स मिलने वाले हैं। अगेन इसका जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 45,000 रुपीज़ का। 45,000 में आपको प्रॉपर पूरा ड्रैगन कॉन्सोल मिलता है, तो ये भी अपना वुडन के अंदर हो जाता है। साथ में सिमिलरली इसके ऊपर भी आपकी सेम वाइट कलर की शीट लगी हुई है, ये ऊपर जो पॉलीथीन सी है वो बाद में हटा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक रॉयल लुक देगा हमारे इवेंट्स को। तो ये देख सकते हो अगेन ये इसमें भी काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो कैसे एक मल्टी कलर RGB का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाता है। सो दोनों की बात हो गई हमारी ये कॉन्सोल्स की, अब आते हैं अपने फ्लोर के ऊपर। तो फ्लोर का मैंने आपको जैसे कि साइज़ और पैनल्स बता दिए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो एक पैनल की अगर बात करें तो हमारा होने वाला है 3x3 का स्टील फ्रेम के साथ होने वाला है इधर। तो यहाँ से थोड़ा आपको मैं अगर रोशनी में दिखाऊँ तो इधर आप देख सकते हो ये अपना स्टील का यहाँ पर फ्रेम होने वाला है, 3x3 का फ्रेम हो गया स्टील का। साथ में ऊपर आपको टफन ग्लास मिल जाते हैं, LEDs आप देख सकते हो, और इसके अंदर आपको एक डेप्थ का इफेक्ट मिलता है, मतलब डीप इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अभी जो ये पैटर्न्स फॉलो कर रहा है वो हमारे कर रहा है 3D पैटर्न्स में। इसको 5D में भी कन्वर्ट करके आपको छोटी सी मैं क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन अभी 3D में आप ये क्लिप्स देख सकते हो जब तक मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो जैसे कि देखने को यहाँ पे आपको 25 पैनल्स मिल जाते हैं, आप कोई सा पैनल किधर भी लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपको इनको जॉइंट्स करना है ऐसे बीच से, और जॉइंट्स करने के बाद ईजिली ये अपने काम करने लगेंगे। अब इसको वर्क करने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोलर्स की, तो इसी तरीके से कंट्रोलर है अपने ये। सो 5 सप्लाई लगी हुई है, 5 सप्लाई के ऊपर हमारे ये फ्लोर वर्क कर रहे हैं, और एक कंट्रोलर हो गया जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पीड वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ में मेमोरी कार्ड वगैरह इसमें यहाँ पे लग जाता है, मेमोरी कार्ड वगैरह लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से फ्लोर आपको मिल जाता है। सो अगेन यहाँ पे एक बार मैं दूर जाके आपको इसका भी एक बार इफेक्ट दिखा देता हूँ कैसा आपको इसमें 3D इफेक्ट मिलता है। और साथ में अगर ये कॉन्सोल रखे हो कुछ इस टाइप के कॉन्सोल हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। सो इधर आप देख सकते हो, तो एक ही फ्रेम के अंदर आपको 3 चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, और आप तीनों चीज़ों के साथ इफेक्ट देख सकते हो। आपको किस कॉन्सोल के साथ किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, वेदर आप ये यूज़ करें MI बार कॉन्सोल और साथ में आप यूज़ कर सकते हैं ये ड्रैगन कॉन्सोल।
सो अगेन ये अभी अपना 3D effects में है, एक बार मैं आपको इसका थोड़ी सी क्लिपिंग 5D effects में भी दिखा देता हूँ। सो अभी यहाँ पे आप जो पैटर्न्स देख रहे हो ये हमारे 5D वाले पैटर्न्स हैं, तो इसमें हमने एक मल्टीपल इफेक्ट्स लगा दिए हैं जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। सो 3D और 5D में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है। 3D में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होते हैं और यहाँ पर 5D में आप देख सकते हो पैटर्न्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो कुछ इस टाइप से आपको ये मिल जाता है 5D वाले पैटर्न्स इसमें। और अगेन फ्लोर का साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा आपको फ्लोर का पूरा साइज़ यहाँ पे मिल जाता है। सो अगेन ये था अपना कंसोल, ड्रैगन कंसोल, ये था अपना MI बार और ये था हमारा पूरा फ्लोर। तो आगे चल के मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये परचेस करने हैं या फिर और भी कोई से फ्लोर परचेस करने हैं तो आप किस हिसाब से यहाँ पे फैक्ट्री में कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। अभी दोस्तों मैंने आप सभी को फ्लोर दिखा दिया, हमारा 25 पैनल का फ्लोर है 15x15 का, जिसमें हमारा एक पैनल का साइज होने वाला है 3x3 का। दोनों कंसोल्स दिखा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें, मैंने आपको वीडियो में बता दी थी, लेकिन अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपको प्रॉपर जो पूरा फ्लोर मिलता है वो मिल जाता है 2,25,000 रुपये का। कंसोल मिलता है एक, आपको मिलता है MI वाला 40,000 का, ड्रैगन वाला मिल जाता है 45,000 का। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से फ्लोर कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फ्लोर फैक्ट्री में बनते हैं, लाइक पिक्सल LED फ्लोर हो गया, 3D 4D 5D फ्लोर हो गया, स्टारलाइट फ्लोर हो गया, तो उसकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी पहले बना चुका हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने इसी फैक्ट्री के अंदर फ्लोर्स की बना रखी हैं, तो आप अनडाउटेडली जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो, उसमें आपको सारे फ्लोर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो डायरेक्टली, जो इनके ओनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फैक्ट्री के जो ओनर है जो फ्लोर्स बनाते हैं उनको ही मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस वगैरह आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अभिषेक आप सभी के लिए इसी टाइप से DJ डांस फ्लोर की वीडियोज़ भी लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।